डूंगरपुर जिले की पंचायत समितियों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन, 25 दिन का रोजगार अतिरिक्त देने के बारे में बताया। डूंगरपुर जिले के खेड़ा आसपुरा में विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने जनसुनवाई की है। दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित किए गए। डूंगरपुर जिले की गंधवा पंचायत में 7 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई है और द चिल्ड्रन संस्था की ओर से आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति में महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साइबर अपराध से संबंधित जानकारी दी गई। भीलवाड़ा के करियाला गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक ने शुभारंभ किया। भीलवाड़ा के करियाला वे गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लग गई है। 4 बीघा मक्का का फसल जुड़कर खाक। भीलवाड़ा के शाहपुर में SDM सुनीता यादव ने खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया, आवश्यक निर्देश दिए। अजमेर के ब्यावर में पूर्व विधायक स्वर्गीय गुरु शरण छाबड़ा की यहां पर 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत की गई। भीलवाड़ा के गंगापुर में सड़क निर्माण कार्य को लेकर जनप्रतिनिधि और ठेकेदारों की संयुक्त बैठक हुई है। 30 नवंबर तक सड़क कार्य पूरा करने पर सहमति बनी। भीलवाड़ा के झलावाड़ गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक ने शिरकत की। जोधपुर के बिलाड़ा में सेवी समाज के अकोतादी के धर्मगुरु माधव सिंह दीवान का पटेल समाज ने स्वागत किया है। गाजेबाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जोधपुर के बिलाड़ा में पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल का पटेल समाज के अध्यक्ष चैन राम पटेल ने स्वागत किया है। आमजन की समस्या सुनी। जोधपुर के बिलाड़ा का शिल्प कल्याण बोर्ड के सदस्य संपत राज ने यहां पर दौरा किया है और कुमावत समाज ने उनका स्वागत किया। जोधपुर के बिलाड़ा में मकान मालिक के साथ मारपीट करने और महिला की लज्जा भंग करने का मामला सामने आया है। 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। चित्तौड़गढ़ के बेगू में निर्माणाधीन मूल्य से अधिक राशि निर्धारित मूल्य से अधिक राशि पर यूरिया खाद बेचने पर महंगा पड़ा है। 3 फार्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था डीम्स यूनिवर्सिटी ने आयोजन किया। डूंगरपुर जिले के काठड़ी में जल वितरण कमेटी की ओर से बैठक हुई है। 20 नवंबर से बांध की नहरों में पानी मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के कल्याणपुर गांव में हरी बोल प्रभात फेराओं का महासंगम देखने को मिला है। 104 फेरियां शामिल है। जोधपुर के खारिया मीठापुर गांव में युवक का रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के सरवार टोल प्लाजे के पास आपको बता दें कि एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और यहां पर बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सांसद CP जोशी के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किया है, गरीबों में कंबल बांटे। जोधपुर जिले की वथानिया पुलिस ने आपको बता दें कि 2 आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला यहां पर दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है पुलिस। अजमेर जिले के सरवार क्षेत्र के गांवों का केकड़ी के पूर्व विधायक ने दौरा किया है, विभिन्न शादी समारोह में भी शिरकत की। चित्तौड़गढ़ जिले के उरई बांध पर जल संगम समिति की बैठक हुई है। बांध की नहरें 13 नवंबर को खोले जाने का निर्णय। करौली के मंडरायल में निंदर बांध जल वितरण कमेटी की बैठक हुई है। SDM रमेश कुमार ने बैठक ली है, नहर खोलने पर निर्णय लिया गया। करौली जिले के पात्री गांव में राजकीय विद्यालय क्रमरत होने पर विद्यालय का करौली विधायक लाखन सिंह ने उद्घाटन किया। करौली के नांदोती में सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर जांगड़ समाज के आयोजन समिति के सदस्यों ने अवलोकन किया है। जिला विधक सेवा प्राधिकरण करौली ने मेगा विधक चेतना शिविर का आयोजन किया है, कानून के बारे में जानकारी दी गई। करौली के टोडा भीम के गांवों में पूर्व जिला परिषद सदस्य आरती मीणा ने दौरा किया है और पूर्व नहर परियोजना को लेकर जागरूक किया। बीकानेर के कुलायत में कार्तिक मेले को लेकर SDM प्रदीप चौहान ने व्यापारी और धर्मशाला प्रबंधकों की बैठक ली है। वही बीकानेर के नापासर का जिला कलेक्टर ने दौरा किया है, पुलिस थाने का भी निरीक्षण किया। जोधपुर जिले की मथानिया पुलिस ने शांति भंग के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के भीकम कोर में ज्वेलर्स पर स्कॉर्पियो चढ़ाने के प्रयास का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। ज्वेलर्स ने मामला दर्ज करवाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के ओसिया में रोजगार सेमिनार का आयोजन किया गया है, संचार विभाग ने इसका आयोजन करवाया।
जोधपुर के भीकमपुर में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। रेलवे अधिकारियों ने हवा में झूलते यहां पर गार्डर को ठीक करवाया है। जोधपुर जिले के बापथाना पुलिस ने सोलर कंपनियों से सोलर प्लांट चुराने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के नोखा में एसडीएम स्वाति गुप्ता ने इंदिरा रसोई में खाना खाया और खाने की गुणवत्ता को अच्छा बताया। नागौर जिले की मेड़ता थाना पुलिस ने युवक के अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। टेस्ट ड्राइव के बहाने वारदात को अंजाम दिया। नागौर के पादुकला गांव का केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका ने दौरा किया है। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। जोधपुर के भोपालगढ़ का सांसद पीपी चौधरी ने यहां पर दौरा किया है और सांसद को बाबा रामदेव की प्रतिमा भेंट की गई है। पूर्व मंत्री कमसा मेघवाल भी यहां पर मौजूद रहे। नागौर के मुंदड़ा में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक हुई है। राज्य स्तरीय समिति के सदस्य जगदीश नारायण शर्मा ने बैठक ली। नागौर जिले के हिडोली गांव में स्वानों के चंगुल से मोर को छुड़ाया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को लेकर इसकी सूचना दी। पाली के बाली में भैरवजी मंदिर पर झंडा लगाया गया है और वहीं भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। पाली के देसरों में जनसुनवाई का आयोजन तहसीलदार कैलाश इनानिया और सरपंच केसा राम ने जनसुनवाई की है। पाली के घाणीराव में गरासिया जाति की महिलाओं ने एसडीएम पंकज कुमार को ज्ञापन सौंपा है अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भरतपुर के हलैना में अनाज मंडी पर बाजरे की आवक शुरू हो गई है। किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के बाकोद गांव में खेत पर अजगर आ जाने की वजह से हड़कंप मच गया। युवकों ने अजगर को रेस्क्यू किया है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में पीईओ प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं बांसवाड़ा जिले के लोहरिया गांव में पशु के बाड़ी में आग लग गई। एक गौवंश आग में झुलस गई है और गौवंश का इलाज हो रहा है। बांसवाड़ा जिले की मुंगाड़ा पंचायत में कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियाबास गांव में कांगदी नदी पर बने पुल की बाउंड्री क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के रसिया गांव में कलेक्टर आलोक रंजन ने जनसुनवाई की है। ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं भरतपुर के पपरेरा गांव में सड़क खस्ता हाल है और सड़क पर बने गड्ढे। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसलमेर के फरसोड में मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया गया है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में डेंगू को लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क है। कस्बे में फॉगिंग करवाई गई है। तो वही जोधपुर के धौलिया गांव की ढाणियों में किसान के घर में आग लग गई और आग की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। जैसलमेर के रामदेवरा में आरसीपी रोड के बाद पास पानी बह रहा है व्यर्थ और एक माह से पानी की पाइपलाइन लीकेज है, लेकिन जलदाय विभाग इस ध्यान नहीं दे रहा है। सवाईमाधोपुर के बौली में विजयगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु किए गए सर्वे को लेकर एक साल बीत चुका है, लेकिन अब तक काम नहीं हो पाया है। जैसलमेर की लाठी में एडीजी ट्रैफिक की ओर से सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर के खंडार का अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने दौरा किया है। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। भरतपुर के बागरेन गांव में संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने जनसुनवाई की है। कल्याणकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को भी लाभ देने के निर्देश। चुरू में भारत विकास परिषद ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया है। 75 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। झुंझुनू के मंडरेला में भामाशाह ललित रूंगटा का सर्व समाज ने अभिनंदन किया है। सीकर के पलसाना में एक कार और पिकअप की यहां पर भिड़ंत हुई है। कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तो 3 लोग घायल हुए हैं। झुंझुनू के बलवंतपुरा में 66वीं ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, छात्रों ने भाग लिया। झुंझुनू के रामलालपुर गांव के निवासी सुनील महवा का चयन कैग में हुआ है। ग्रामीणों में खुशी है। चुरू के झारियामुरी में कृष्ण मंदिर पर 56 भोग का आयोजन किया गया है। कलाकारों ने भी भजनों की प्रस्तुति दी है। झुंझुनू के घरसाला खुर्द में कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी ने जनसुनवाई की है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। झुंझुनू के अड़ूका में आपको बता दें कि दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। देवसेना ने भी यहां पर आयोजन किया। झुंझुनू के मंडरेला में भामाशाह ललित रूंगटा का श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था की ओर से स्वागत किया गया। चुरू में जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
अलवर की बावनवास काकड़ के पास एक ट्रोला ने दो ट्रोलों को टक्कर मारी है, रोड पर जाम लगा। अलवर के बहरोड में मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने जनसुनवाई की है, ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में देवोत्ती एकादशी पर धूमधाम से श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया है, बंगाली कलाकारों ने श्याम बाबा का श्रृंगार किया। अलवर के रामगढ़ में एसडीएम जनक सिंह ने इंदिरा रसोई में औचक निरीक्षण किया, खाने की गुणवत्ता को देखा। चूरू के भरतिया में राजकीय अस्पताल का राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रिहाना रियाज ने औचक निरीक्षण किया है, अस्पताल अधीक्षक को खामियां दूर करने के निर्देश। जयपुर के बगरो में महात्मा गांधी स्कूल में दो दिवसीय शारीरिक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन, खेलों में नवाचार पर प्रयास कर। बाड़मेर जिले की धोरीवाना थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को यहां पर गिरफ्तार किया है, तीन चोरी की बाइक बरामद। जयपुर के अठमोरिया ठाणी के पास आपको बता दें कि खेत में रखी हुई कड़बी की फसल में आग लग गई, दमकल ने आग पर काबू पाया। अलवर के थानागाजी में भृतहरी टीले पर भू माफियाओं का कब्जा देखने को मिला है, साधु के भवन में तोड़फोड़ की गई और जमीन हड़पी गई है, प्रशासन ने ध्यान नहीं दे रहा है। अलवर के थानागाजी में भागवत कथा का आयोजन किया गया है, कलश यात्रा भी निकाली गई, श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जयपुर जिले की भागी थाना पुलिस ने पंचाला गांव में हुए हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के दूदू में विधायक बाबूलाल नागर ने जनसुनवाई की है, फरियादियों की समस्या सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए। अलवर के बांसुर में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसका असर देखने को मिला है, दो दिन से धुंध छाई हुई है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है, 27 साल पुराने हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है, योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के अधिकारी को निर्देश। तो फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने सांभर लेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नए चार भवन के 50 लाख की राशि स्वीकृत की है, स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार जताया। राजसमंद में एसडीएम दिनेश राय सापेला ने जल वितरण कमेटी की बैठक ली है, पानी की समस्या को लेकर सभी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। श्रीगंगानगर के श्रीविजय नगर में वार्ड नंबर 11 में गंदगी का ढेर देखने को मिल रहा है, नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बाड़मेर में पालोत्रा में आरएलपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, बजरी के दरों में कमी लाने की मांग। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने नीतेवाल में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जयपुर के चौकसों में श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया, केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। बूंदी के हिंडोली में खेत पर फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी के रामनगर में जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने जनसुनवाई की है, आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया गया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने बाइक से मोबाइल छीनने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के 4GB गांव में राजकीय स्कूल में शिक्षा के बढ़ते कदम परीक्षा का आयोजन किया गया है, 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सिरोही जिले के आउट ऑफ लिविंग की ओर से 4 दिवसीय हैप्पीनेस शिविर का आयोजन किया गया है, लोगों ने इसमें भाग लिया। सिरोही जिले के मूंगथला में अजगर आने की वजह से हड़कंप मच गया, स्नैक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया है। तो सिरोही जिले के अबू रोड में शिवसेना के पदम जैन का शिव सैनिकों ने स्वागत किया है।